हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखे थे। इसमें बात करेंगे हम लोग खनिज संपदा के बारे में। ठीक है, खनिज संपदा के बारे में याद रखिए, आपके जितने भी चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं वो सभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो सूची बनी हुई है प्लेलिस्ट में, उसी में डले हुए हैं। तो चलिए, खनिज संपदा। अविभाजित मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान था। अविभाजित मतलब आपका छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश में शामिल था तब तक आपका मध्य प्रदेश खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता था। जैसा कि आपको पता है कि सन 2000 में आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न राज्य। मध्य प्रदेश का खनिज भंडारण की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में लगभग 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 20 का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश ने अपनी खनिज नीति सर्वप्रथम 1995 में घोषित की थी। मध्य प्रदेश ने अपनी खनिज नीति सर्वप्रथम 1995 में घोषित की। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 में की गई। मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना की गई थी 19 जनवरी 1962। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसमें हीरा व स्लेट का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश ने अपनी दूसरी खनिज नीति वर्ष 2010 में घोषित की। वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश का कोयला के सकल उत्पादन में राष्ट्र में चौथा स्थान था। हीरा उत्पादन में प्रदेश को राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त होने के साथ साथ ताम्रस्क मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। हीरा उत्पादन में तो प्रथम स्थान पर है, ठीक है, मध्य प्रदेश पर, लेकिन ताम अयस्क और मैग्नीज के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर, कोयला एवं चूना पत्थर के उत्पादन में चतुर्थ एवं तृतीय स्थान पर है क्रमशः। ठीक है, खनिज रियासतों की स्वीकृति के कारण मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 के अनुसार संपादित किए जाते हैं। वर्ष 2015-16 में 1206 वर्ग किलोमीटर भाग में सर्वेक्षण मानचित्रण तथा 4353 मीटर वेधन कार्य किया गया। मध्य प्रदेश में देश के कुल मैग्नीज का 18.47% भंडार है। मध्य प्रदेश के बालाघाट व छिंदवाड़ा में मुख्य मैग्नीज उत्पादक जिले हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के आगर गांव टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। चीमिनी मिट्टी का मूल नाम है केओलिन। ठीक, अग्निरोधी मिट्टी फायर क्ले से उच्च तापमान सह ईंटों का बनाई जाती है। टॉल्क सबसे कठोर खनिज है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। हीरे का अधिकांश उत्खनन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC द्वारा किया जाता है। प्रदेश के झाबुआ जिले में रॉक फॉस्फेट के भंडार हैं। मध्य प्रदेश में सुरमा का उत्पादन जबलपुर में होता है आपका। प्रदेश में चूना पत्थर के विशाल भंडार मौजूद हैं। राज्य द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में लागू किया गया। प्रदेश के बैतूल जिले में ग्रेफाइट मिलता है। मध्य प्रदेश की कोयला खाने विंध्य कल्प की हैं। मध्य प्रदेश में के बालाघाट जिले की भरवली खदान एशिया की सबसे बड़ी खुले मोए की खदान है। ठीक है, कोयले को काला हीरा भी कहा जाता है। कोयले को काला हीरा कहा जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे याद बात करते हैं।
अग्निरोधी मिट्टी फायर क्ले के अधिकतर कोयले की खानों से मिलती है। फायर क्ले जो मिट्टी है ये 1600 डिग्री फॉरेनहाइट तापमान तक सहन कर सकती है, तक नहीं जलती है। ठीक है, फायर क्ले प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, नरसिंहपुर, पन्ना में मुख्यतः होता है। कैल्सेसाइट के उत्पादन में प्रदेश का द्वितीय स्थान है। प्रदेश का सोहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। वोल्फ्राम टंगस्टन का अयस्क है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक को बॉक्साइड उत्पादन में रेडुकोट उत्तर प्रदेश कहा जाता है, रेडुकोट कहा जाता है। जिप्सम मध्य प्रदेश के रीवा, शहडोल, जबलपुर जिले में पाया जाता है। प्रदेश के बैतूल जिले में टिन प्राप्त होता है। गैलेना सीसा मुख्य अयस्क है। मध्य प्रदेश का गेरू के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। खनिज प्रदेश के खरगोन जिले में उच्च स्तरीय रॉक फॉस्फेट का पता चला है। मध्य प्रदेश के फेल्सपार, जबलपुर और शहडोल में पाया जाता है। इसका उपयोग मिट्टी के बर्तन, कांच बनाने में किया जाता है। कोरंडम एल्यूमिनियम का प्राकृतिक ऑक्साइड होता है। तांबा अधिकतम आग्नेय कायंतित शैलों से प्राप्त होता है। सतना की मझगावा खदानों से प्रत्येक 100 टन चट्टानों में 11.7 कैरेट हीरे मिलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में कोयला भंडार की दृष्टि से विंध्य क्षेत्र प्रथम स्थान पर है। जब चूना पत्थर में 45% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो इसे डोलोमाइट कहते हैं। डोलोमाइट का प्रयोग लोहा साफ करने में करते हैं। बेराइटिस खनिज सल्फेट का मिश्रण है जिसमें लगभग 66% बेरियम ऑक्साइड होता है। टंगस्टन का उपयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने में होता है। कोयले को उद्योग की जननी व शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। प्रदेश में कोयला क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। मध्य भारत कोयला क्षेत्र, दूसरा है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत के क्षेत्र के अंतर्गत 5 क्षेत्र शामिल हैं जो निम्न है: सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, कोरार, जोहिला कोयला क्षेत्र। और सतपुड़ा कोयला के 4 क्षेत्र हैं: मोहेपानी, सायपुर तावा, कान्हन घाटी क्षेत्र, फैज घाटी क्षेत्र। प्रदेश का सोहागपुर कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है, 4,142 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में बिटूमिनस प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। सलीमनाबाद कटनी में स्टोन पार्क विस्थापित है। मझोली सीधी में सोने के भंडार मिले हैं। झाबुआ के अलावा सागर छतरपुर से सामान्य श्रेणी तथा खरगोन से उच्च श्रेणी के रॉक फॉस्फेट का पता चला है। ठीक, कोल बेड मैथेन का भंडार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोहागपुर कोयला क्षेत्र में खोजे हैं। पेट्रोलियम खनिज तेल में मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है। सेरेमेटिक तथा रिफैक्टरी वर्क्स जबलपुर प्रदेश का सबसे पुरानी चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाने का कारखाना है। पोर्टरीज उद्योग के लिए ग्वालियर प्रसिद्ध है। ग्रेफाइड को काला सीसा या फ्लेम्बेगो भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के खनिज उत्पादन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। देश के कुल भंडार का लगभग 18.47% मैग्नीज आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके सबसे बड़े भंडार हैं आपके बालाघाट जिले में। दूसरे स्थान पर आपका छिंदवाड़ा जिला है। झाबुआ बालाघाट का मैग्नीज खनिज शिष्ट व नीज चट्टानों के साथ मिलता है। मैग्नीज उत्पाद मुख्यतः बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर मंडला से मिलता है। भरवेली बालाघाट एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है। भरवेली बालाघाट में एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है।
बालाघाट एवं छिदवाड़ा का मैंगनीज जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस को निर्यात किया जाता है। मैंगनीज के धातु काले रंग के प्राकृतिक भस्म के रूप में धारवाड़ युग की औषधि शैलों में पाई जाती है। प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत 21 प्रमुख मैग्नीज क्षेत्र हैं। मखेली, वरवाली, तरौड़ी, बरजारी, भरवेली, नेमा, रामरवा, सेलवा आदि खदानें प्रसिद्ध हैं। मैग्नीज की कुल खपत का लगभग 95% भाग धातु निर्माण में उपयोग होता है। इसका अधिकांश भाग इस्पात उद्योग में तथा कुछ भाग अन्य मिश्र धातुओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इस्पात बनाने के लिए लोहे और मैग्नीज धातु का मिश्रण किया जाता है, जिसे फेरा मैग्नीज कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग बॉक्साइड। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क है। भंडार की दृष्टि से भारत में 5वां स्थान है मध्य प्रदेश का। बॉक्साइड मुख्यतः जबलपुर, सतना, बालाघाट, मंडला, शहडोल में मिलता है आपके। विदेश में बॉक्साइड की प्रमुख स्रोत विंध्य युग की बालूसिलिका एवं क्वार्ट जाइट चट्टान है। विदेश में बॉक्साइट का सर्वप्रथम खनन 1908 में कटनी में किया गया था। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के अनुमानित भंडार 20 से 30 करोड़ टन है। फिर है आपका कोरंडम। कोरंडम यह एल्यूमिनियम का प्राकृतिक ऑक्साइड है। कठोरता की दृष्टि से हीरा के बाद कोरंडम का स्थान आता है। यह मुख्यतः पिपरा, सिंगरौली में पाया जाता है। फिर है आपका हीरा। भारत में सर्वाधिक हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में हीरा पन्ना जिले के मझवा गांव, बहनौता, सतना, छतरपुर जिले के अंगोर आदि में पाया जाता है। पन्ना जिले में भोगन नदी घाटी से हीरे प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बक्सवाहा तहसील के वंदेर में हीरे के भंडार मिले हैं। इनका खनन ऑस्ट्रेलिया आधारित ग्लोबल माइनिंग कंपनी रियो टेंटो करेगी। ठीक, फिर बात करते हैं चीनी मिट्टी के बारे में। चीनी मिट्टी का मूल नाम कियोलिन है। मध्य प्रदेश में यह ग्वालियर, नामुक, पहाड़ी, जबलपुर, सतना, सीधी, शहडोल में पाई जाती है। छिदवाड़ा और जबलपुर में गोंडवाना युग की चट्टानों से उत्तम प्रकार की चीनी मिट्टी मिलती है। फिर है चूने का पत्थर। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश का में दूसरा स्थान है। जबलपुर, कटनी, सतना, सीधी, ग्वालियर, मुरैना आदि में पाया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। ठीक, फिर आपका क्वार्ट्ज सिलिका बालू, यह रीवा में मिलती है। इसका उपयोग कांच बनाने एवं पिकासकीय तंतु बनाने में किया जाता है। फिर बात करते हैं तांबा। तांबा मध्य प्रदेश में एक मुख्यतः आपका बालाघाट के मलाजखंड, में पाया जाता है। इसका उपयोग बर्तन, विद्युत उपकरण, आभूषण आदि बनाने में किया जाता है। विदेश में उत्पादित तांबा राजस्थान भेजा जाता है। तांबा अयस्क अग्नेय और कायांतित शैलों की नसों में प्राप्त होता है। बाला जिले में बीहर तहसील के मलाजखंड क्षेत्र में 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी पेटी में 193 मैट्रिक टन तांबे के सुरक्षित भंडार का पता चला है। तांबे का उत्खनन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में 24 से 58 लाख टन ताम अयस्क उत्पादित हुआ। बात करते हैं लोह अयस्क। क्या है अगला है लोह अयस्क। मध्य प्रदेश में ये मुख्यतः जबलपुर, विदिशा, उज्जैन, शाहजहाँपुर, झाबुआ में उत्पादित होता है। इसका उपयोग आपका लोहा इस्पात बनाने में होता है। विदेश के लोह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जर्मनी एवं जापान को निर्यात किया जाता है। विदेश के 80% लोह अयस्क भंडार छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए हैं। ठीक है, जब से अलग हुआ। फिर ताप सह मिट्टी फायर क्ले 1600 डिग्री फॉरेनहाइट तक नहीं जलती है। इसका उपयोग भट्टियों की ईंट, उच्च ताप सह वस्तुएं बनाने में होता है। यह जबलपुर, नरसिंहपुर,
छिंदवाड़ा पन्ना और शहडोल में पाई जाती है। फिर है आपका सॉफ स्टोन, इसके अन्य नाम है टॉल्क, एस्टीएटाइट। यह झाबुआ जबलपुर नरसिंह में पाया जाता है। इसका उपयोग पाउडर प्रिंट बिजली का सामान प्रयोगशाला की मेजें आदि बनाने में होता है। फिर फेल स्पार, यह जबलपुर छिंदवाड़ा और शहडोल में पाया जाता है। इसका उपयोग मिट्टी के बर्तन और कांच बनाने में होता है। मध्य प्रदेश में इसका प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश। संगमरमर, प्रदेश में संगमरमर आर्कियन युग की चट्टानों से प्राप्त होता है। जबलपुर, बैतूल, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर में पाया जाता है। श्वेत संगमरमर आपका जबलपुर, लाल पीला छीटदार हरा संगमरमर आपका ग्वालियर, ठीक में मिलता है। फिर है अभ्यक, अभ्यक की बात करें तो अभ्यक परतदार हल्का चमकीला खनिज है। यह पुरानी अग्नेय व कायंतिक चट्टानों में मिलता है। यह विद्युत का कुचालक है। इस खनिज का उपयोग औषधि, बिजली मोटर, टेलीफोन, लालटेन की चिमनी आदि के निर्माण में होता है। यह खनिज प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ, मंदसौर, नरसिंहपुर, शहडोल, सीधी, टीकमगढ़ जिले में पाया जाता है। फिर है ग्रेफाइट, इसका उपयोग पेंसिल, बैटरी, प्रिंट उद्योग में होता है। मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट आपका बैतूल जिले में मिलता है। अब बात करते हैं कोयला, सबसे महत्वपूर्ण है आपका कोयला। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। राज्य में विंध्य क्षेत्र के गोंडवाना कल्प में सर्वाधिक कोयला भंडार है। मध्य भारत कोयला क्षेत्र का विस्तार सीधी सिंगरौली, रीवा, शहडोल, उमरिया आदि जिलों में पाया जाता है। इस विंध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्र आते हैं। सिंगरौली क्षेत्र, यह मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। यह दक्षिणी सीधी से दक्षिणी मिर्जापुर तक 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। आगे बात करें इस क्षेत्र में कोयले की परतें 1.5 मीटर से 2 मीटर है। यहाँ की सबसे प्रमुख खानों में तिपझरिया, खाई नवा, नगी परारी व मुरवा प्रमुख हैं। फिर है आपका सोहागपुर क्षेत्र, सोहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जो दक्षिणी रीवा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल है 4,142 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 406 करोड़ टन कोयले के संचित भंडार हैं। इस क्षेत्र के तलचर, बराबर, लमेटा नामक भागों में कोयला क्षेत्र सेल मिलती है। फिर उमरिया क्षेत्र, यह सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल है 15 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्र उमरिया के नगर समीपवर्ती क्षेत्र में विस्तृत है। 18.7 करोड़ टन कोयले के संचित भंडार है इसमें। यहाँ की कोयले की तरों की मोटाई है 1.5 से 2.5 मीटर। फिर है आपका कोरार क्षेत्र, यह क्षेत्र उमरिया के लगभग 11 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र में 1.02 से 2.4 मीटर तहें मिलती हैं। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 24 वर्ग किलोमीटर है। फिर है जोहिला कोयला क्षेत्र, यह क्षेत्र कोरार के दक्षिण में बीरसिंहपुर पाली रेलवे स्टेशन के निकट है। इसका क्षेत्रफल 30 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कोयले की कुल 6 मीटर मोटी तहें मिलती हैं। इस क्षेत्र की कोयला खाने कैमूर की सीमेंट फैक्ट्री के अधीन है। फिर है आपका सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, इस प्रदेश में कोयला क्षेत्र की अर्ध वृत्ताकार पेटी है। इस क्षेत्र में कोयले की 3 तहें हैं जो कि 1.2 से 1.8 मीटर हैं मोटी हैं। इस प्रदेश के अंतर्गत निम्न क्षेत्र आते हैं। मोहपानी क्षेत्र, यहाँ का कोयला साधारणतः किस्म का है जो कि 0.9 मीटर से 5.4 मीटर मोटी तहें से मिलता है। फिर आपका साहेबपुर ताबा क्षेत्र, यह बैतूल व होशंगाबाद के बीच तथा तावा नदी की घाटी में मिलते हैं। यहाँ के पाथरखेड़ा क्षेत्र में 3 परतें हैं जो क्रमशः 1.2, 1.8 तथा 5.9 मीटर मोटी हैं।
फिर है आपका कानन घाटी क्षेत्र, इसके अंतर्गत दमुआ, कालिन, छपार, धोरवादी, नीमरखेड़ा, पनारा, हेगन क्षेत्र को शामिल किया गया है। फिर आपका पैंच घाटी क्षेत्र, पैंच घाटी का कोयला क्षेत्र कानन घाटी क्षेत्र का ही भाग है। यहाँ पर कोयले की तहें बरकुही, चांदमेटा, परासिया तथा पैंच तक 18 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के खनिज और उनके क्षेत्र एक सारणी के रूप में। ठीक है, ये खनिज हो गए आपके, ये प्रमुख भंडार क्षेत्र हो गए। सबसे पहले बात करते हैं लोह अयस्क, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, विदिशा में पाए जाते हैं। मैग्नीज आपका बालाघाट, छिदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन। टंगस्टन आपका आगरगांव, होशंगाबाद। सुरमा जबलपुर। ग्रेफाइट आपका बैतूल, सीसा, होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी, झाबुआ, जबलपुर। बेराइट सूरजपुर, टीकमगढ़, देवास, धार, झाबुआ, शिवपुरी, सीधी, रीवा, पीपलकोट, बॉक्साइट। फुटका, करेरा, कटनी, अमरकंटक, मैन पार्ट में। ठीक है, अभ्रक आपका बालाघाट, छिदवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ, मंदसौर। घिया पत्थर टेल्क, ये भेड़ाघाट, जबलपुर, झाबुआ, नरसिंहपुर में। हीरा आपका पन्ना, हिनौता, पन्ना में। मझगवा, सतना में, जबलपुर में। चीनी मिट्टी केओलिन, एक कटौली, रीवा, आत्री, नौगांव, ग्वालियर, छिदवाड़ा में। चूना पत्थर आपका जबलपुर, झाबुआ, धार, सतना में। एस्बेस्टस डोलोमाइट ये आपका झाबुआ में। ताबा आपका मलाजखंड, बालाघाट, सलीम नाबाद, होशंगाबाद और सागर में। कोयला आपका शहडोल, छिदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, सिगरौली में। टिन आपका गोविंदपुर, बैतूल में। ठीक है, आगे बात करें कोरंडम ए पीपरा, परकोटा, सीधी, भोपाल में। रॉक फॉस्फेट आपका झाबुआ, छतरपुर, सागर में। गेरू आपका सतना, पन्ना, ग्वालियर, जबलपुर में। फेलस्पार आपका छिदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल में। डायस्पोर छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी में। संगमरमर जबलपुर सफ़ेद, बैतूल, सिवनी, छिदवाड़ा, ग्वालियर, लाल, पीला, हरा, छींटदार। कैल्साइट ये बड़वानी में। ठीक है, ये है आपकी विशिष्ट खदान क्षेत्र, ये खनिज हो गए, विशिष्ट खदान क्षेत्र हो गए। ठीक है, मैग्नीज भरवेली, बालाघाट में, बालाघाट, मलाजखंड, बालाघाट, कोयला, सोहागपुर, शहडोल, चूना पत्थर, मुड़वारा, कटनी, हीरा, मझगा, पन्ना, बॉक्साइट, अमरकंटक, शहडोल, सोना, सीधी, कटनी, शहडोल, प्लेडियम, बैतूल में। ग्रेफाइट आपको बैतूल में, कोरंडम, पीपरा, परकोटा, सीधी में। संगमरमर आपका भेड़ाघाट, जबलपुर में। फेल्सपार लम्हेटा घाट, जबलपुर में। सॉपेट्रोन आपका सेलखड़ी, भेड़ाघाट में। फिर निकिल सीधी में और प्लेटिनियम बैतूल में। ठीक है, याद रखिए ये सभी पुराने आंकड़े हैं, अभी जो नए आंकड़े आए हुए थे हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, करंट अफेयर्स वाले जो आपके लेक्चर हैं मध्य प्रदेश से संबंधित उसी में डले हुए हैं। हमें बात करनी है अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम, हीरा में प्रथम है, स्लेट में प्रथम है, पायरोफायलाइट में प्रथम है, तांबा अयस्क में प्रथम है, फेल्सपार में प्रथम है, मैग्नीज में प्रथम है, डायस्पोर में द्वितीय है, रॉक फॉस्फेट में द्वितीय है, चूना पत्थर में द्वितीय है, कोयला में चौथे नंबर पर है, डोलोमाइट में चतुर्थ नंबर पर है, लोह अयस्क में पाँचवें नंबर पर है और बॉक्साइड में आपका पांचवें नंबर पर है। ठीक, तो चलिए ये था आपका खनिज संपदा से संबंधित, और अब बात करेंगे अगले लेक्चर में हम लोग परिवहन से संबंधित। ठीक है, आगे देखेंगे।